अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला दे रहमान करम फज़ल तबा अपडेट शुरू करते हैं। नाज़रीन, अज असीं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आए हैं। इतने अज एक ट्रेन प्राइवेट हो रही है, रावी एक्सप्रैस जी एस जमील एंड कंपनी ने अपने जिले इंतजाम लई है। तो चलो अंदर असीं तुहानूं उत्थे दा तकरीब दिखाने हैं। जी तो नाज़रीन, असीं प्लेटफॉर्म नंबर 9 ते जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, रैक आ गया जी इहदा, रावी एक्सप्रैस का देख सकते हैं। जी तो नाज़रीन, यह साड़ी रावी एक्सप्रैस है जी, अब प्राइवेट होनी है। मैं इतने झुंडिया झुंडिया लैन दियाँ तेन सजा लगे है। जी तो खवातीन हजरात है, जो ट्रेन का रैक देखते पे हैं, वारिस शाह पसेंजर का, तो तुम देखते हैं कि इंजन हम सजा लगे है। काफ़ी खूबसूरत करके सजाया इंजन इन्होंने, और देखो झंडिया तो लड़िया वगैरह लगा रहे हैं इंजन। जी तो नाज़रीन, जिहड़ा अफ्तताह सी उत्थों करना सी, ओह अफ्तताह सी इत्थों करन लगे। किहड़ा अफ्तताह कित्थों करना? फीता काट के। मेरा नाम जलाल भाई है, मनकानी साहब का गया। हाँ, मेरा नाम जहाद भाई है, हाँ लाहौर तक ही रहने। किस पे जाना, कोई पे? साडे भाई है बिलाल। फीता किधर गया? हाँ भाई, मेरा नाम बिलाल है यार। बिलाल तो मौसम पता नहीं किनू घेर के कहानियां सुना रहे। जी तो तुम देख रहे हैं कि ड्राइवर साहब तो असिस्टेंट ड्राइवर साहब झंडा लगा रहे। जी तो पहला डिपार्चर विसल दे दिता ZCU 2064 ने। दूसरा तुम विसल भी सुन लिया, तो हूँ असं इतों निकलेंगे ननकाना साहब रेलवे स्टेशन वाल। उ जाके बकायदा इफ्तिताही तकरीब होगी, तो सारे साढ़े यूट्यूबर ब्लॉगर जड़े है, तो हूँ ये चढ़न वास्ते तैयार है। ड्राइवर साहब ने भी बस ने हारन बजा के गड्डी खिंचन की थी, तो काफ़ी लोग रहन लगे सी, फहीम साहब गुजरे है, तो बड़ी मुश्किलों ने चढ़े। इतने बिलाल भाई आ खड़े है, तो आ सफियान भाई है। तो जी तो नाज़रीन, हूँ असी शहदारा बाग रेलवे स्टेशन पर अरावल कर लगे हैं। रवि एक्सप्रैस का शहदारा बाग रेलवे स्टेशन का पहला ऑफिशियल स्टाप है, तो तुम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, काफ़ी मुसाफर है जोड़े इतों चढ़न गए ट्रेन के। जिस तरह ही ट्रेन रुकी है तो जी सारे उतर के साडे दोस्त वगैरह ZCU के नाल सैल्फियां लैन लग पे, तस्वीर खिंचाण लग पे। तो जी नाज़रीन, थोड़े ना तुहानू एस जमील एंड कंपनी के बारे दस दईए। पाकिस्तान की सब तो पुरानी प्राइवेट रेलवे कंपनी है, तो माशाल्लाह इन्हां दी सर्विस सब तो जिन्नियां भी प्राइवेट कंपनी इस वक्त ट्रेनां नूं रन कर रही हैं, सब तो बेहतरीन सर्विस एस जमील एंड कंपनी की होंदी है। क्योंकि इन्हों को सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, इस तो अलावा इन्हों को फरीद एक्सप्रैस भी है, मैर एक्सप्रैस भी आ, शाह लतीफ एक्सप्रैस भी आ चलाते, मोजोडोरा एक्सप्रैस भी आ। तो हूँ इन्होंने शेखूपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन की सब तो मशहूर ट्रेन रवि एक्सप्रैस ली है। तो जनाब, तुहानू इत्थे एक असी यूनीक सीन दिखाने हैं जिहड़ा दोबारा कदी शूट नहीं होएगा। दोनों ट्रेना अप एंड डाउन दी रावी एक्सप्रैस है, तो जिहड़ा असी तुहानू शुरू च दस्सिया सी कि जिहड़ा ओरिजिनल रैक आ उह ए वाला सीगा जिहनू सजाया गया, आ देखो तुसी देख सकते हैं। तो लेकिन अफसोस थोड़ा जिहा होया कि जो शोरकोटो लाहौर आ रही सी कि इहनू इहदा इंजन फेल हो गया, तो इस करके एमरजेंसी फिर नवा रैक अरेंज करके तो इस ट्रेन नू अपने वक्त के नाल चलाया गया। तो एक फर्स्ट टाइम आखिरी पहला तो आखिरी क्रॉस। जी तो नाज़रीन, ZCU 2064 किला स्टार शायद फेल हो गया। जी तो नाज़रीन, हूँ असी चुचुकी मलियाँ अरावल कर रहे हैं। इतने रावी एक्सप्रैस का दूसरा ऑफिशियल स्टाप, इतने मुसाफर तो कुछ एडे ज़्यादा नहीं है इतने।
ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ। ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਲ ਸੀ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਫੜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਫੜਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਕੜੀ ਫਿਰ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਰਾਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਪ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਰੇਲ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਸ਼ਦਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਦਰਾ ਸਾਂਗਲਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਆ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਲਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵਾਰਬਰਟਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਟਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਿਕਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸ ਜਮੀਨ ਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਆਏ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਏ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾ, ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਹਮਾਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਆ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਪ ਸਭ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਟਕੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ZCU ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਇੰਜਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ
सारे पसंद करते हैं। पाकिस्तान रेलवे का एक वाहद इंजन इंजन सब पसंद करते हैं, इन्हें नफरत कोई नहीं करता। इस तरह की पावर आ गई तो ये ही साडा इतने सफ़र ख़त्म होगा। आ छोटा जहा बच्चा देख लो जी, आ देखो कि स्टंट कराते इतने जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। ही जी इस डिपार्चर के नाल ही साडा सफ़र इतने ख़त्म होना। जी तो नाजरीन ये ही साड़ी वीडियो इतने होंगी है ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दौ, चैनल में सबसक्राइब कर दौ, तो इंशाल्लाह असी इस तरह की होर अच्छी नवी वीडियो लैके खिदमत हाज़र होवांगे। उदों तक मिल दौ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।